उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दरिंदगी को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और घटना को लेकर रायगढ़ में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि हाथरस की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। प्रशासन ने बगैर परिवार की अनुमति के पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया, जो कि एक तरह का अत्याचार है। तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी भी गलत है। और जो संस्कार हुआ और रीढ़ की हड्डी और सुंदर की हड्डी छोड़ी गई और उत्तर प्रदेश की बैरी सरकार और वहाँ के भ्रष्ट प्रशासन ने जो अवामी जो अमानवीय कृत्य किया है उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना दिया है। उस बच्ची को न्याय हाथरस में